गीता तो बहुत है पर कौन सी पढ़ूं? ये सवाल तो हम सभी के मन में आता होगा। भारत ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ की संस्कृति में वैदिक शास्त्रों और आध्यात्मिकता के प्रति सहज ही झुकाव है। यही कारण है कि सनातन धर्म ने इतने गुरुओं और पंथों को जन्म दिया। सनातनी जिज्ञासु होते हैं और स्वयं अनुसंधान भी करते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, स्वयं अनुसंधान या खोज न करने के कारण ढोंगी गुरुओं की बाढ़ आ गई और आज का युवा भ्रमित घूम रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत, वही पता चल जाए तो गनीमत। गीता की कहानी कुछ ऐसी ही है। ताजा खबर के अनुसार बाजार में 350 से अधिक प्रकार की भगवद गीता बिक रही है। क्यों? पहला, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कॉपीराइट नहीं किया। दूसरा, क्योंकि जैसी डिमांड होगी मार्केट में वैसा ही माल आएगा। तीसरा, क्योंकि असली की पहचान कैसे करना है वो पता ही नहीं, कुछ भी बेच दो। चौथा, क्योंकि सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए तो जंक ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक ही गीता सही है बाकी सब गलत, पर आपको समझ आए, सारे मापदंडों पर खरी उतरती हो और सरलता से समझाने वाले भी मिल जाए वही लीजिएगा। भगवद गीता कौन सी नहीं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन कुछ प्रश्नों के उत्तर के ऊपर आप स्वयं विचार करें। पहला, क्या आपका उद्देश्य गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वही यथारूप ज्ञान पाना है? दूसरा, क्या आपको जो गीता चाहिए उसका लेखक स्वयं उसमें लिखे ज्ञान का अक्षरशः पालन करता है? तीसरा, क्या आपको जो चाहिए वह भगवान कृष्ण की गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है? चौथा, क्या आप देखना चाहेंगे कि आपको जो गीता चाहिए उसे पढ़कर और भी लोग भक्त बने कि नहीं? पांचवा, अगर आपको समझ में ना आए तो क्या गीता को कोई अच्छे से समझाने वाला है? यह सब आपको एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप में मिल जाएगा। तो जल्दी कीजिए, आज ही अपने निकटतम इस्कॉन मंदिर से गीता लें। हरे कृष्णा।